प्रिय मित्रों, अंतिम भोज की उस कोठरी का माहौल अति गंभीर था। पूरा वातावरण दुख से भरा हुआ था। शिष्यों के मन में जल्दी ही होने वाली कुछ अनहोनी का भय था, लेकिन उन्हें उस वास्तविकता का पूरा अंदाजा नहीं था। इसलिए भय, शंका, संशय और दुविधा से उनके हृदय भारी थे। यीशु शिष्यों की उस अवस्था का पूरा ज्ञान रखते थे और उनको मालूम था कि निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं की सही जानकारी उन्हें पूर्ण रूप से तोड़ डालेगी। इसलिए वो ज्ञान उनसे छिपाया गया। फिर भी वास्तविकता का आभास उनको होना आवश्यक भी था। इसलिए वर्तमान परिस्थिति का प्रत्याशा के साथ सामना करने की नसीहत प्रभु उनको देते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जल्दी ही वापस आऊंगा। मेरा चला जाना जरूरी है। अब तुम्हारा हृदय दुखी है, लेकिन जब मैं लौट आऊंगा तो तुम आनंद मनाओगे। तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। प्रभु अपने शिष्यों के दुख की तुलना एक स्त्री की प्रसव पीड़ा से करते हैं। प्रसव का समय निकट आने पर वो दुखी जरूर होती है, किंतु बच्चे को देखकर वो अपनी सारी पीड़ाएं भूल जाती है और उसका मन हर्ष से भर जाता है। प्रभु ने ये शिक्षा देते हैं कि वे वर्तमान संकटमय परिस्थिति में न फंसे रहे, बल्कि घने अंधकार की उस पार चमकने वाली ज्योति पर अपनी दृष्टि गड़ाई, अर्थात निराशा और दुख की उस घड़ी के बाद आने वाली शांति एवं आनंद की घड़ी का प्रत्याशा के साथ इंतजार करें। ये मसीह की जीवन की पहचान भी है। दुख के बाद आनंद, शुक्रवार के बाद रविवार, पराजय के बाद विजय, मृत्यु के बाद जीवन, ऐसी प्रत्याशा ही हमें वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करने की मदद करती है और दैनंदिन जीवन को ओजस्वी बनाती है। जीवन में दुख परेशानियों की कोई कमी नहीं है। सवाल यह है कि हम इनका सामना कैसे करें। आर्थिक संकट, रिश्तों में तनाव, शरीर की बीमारियां, काम धंधे में बाधाएं इत्यादि तरह तरह के शत्रुओं के सामने कभी कभी मनुष्य सिर झुका लेता है, लेकिन प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम हिम्मत न हारे, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखकर भरोसे एवं आत्मविश्वास के साथ इनका सामना करें। इस अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें।